सब्सक्राइब कीजिए स्वामी जी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार बच्चों, मैं हूँ प्रदीप और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्वामी जी टेक्निकल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हर एक बार एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो एट फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइगर ऑफ मैसूर। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड कंपनी बेनिफिट आफ्टर एजम्पशन ऑफ दीवानी। दीवानी प्राप्त करने के बाद कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस में क्या है, उसको बेनिफिट वाले सब्सिडरी अलायंस क्या है वो तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे 5 मार्क्स का जो कुछ भी आंसर आप लोगों को लिखना है, मिनिमम 80 वर्ड्स टू 100 वर्ड्स में आंसर देना है। यानी आपको मिनिमम 6 से 7 लाइन लिखना पड़ेगा 5 मार्क्स पाने के लिए। डिस्क्राइब द चेंजेस ऑफ दैट अकर्स इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द नील कल्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वेयर द सर्कमेंटेंस विच लीड इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट ऑब्जेक्शन डिड द सिपाइज हैव अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कार्टेज। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन महलवारी एंड परमानेंट सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। व्हाट आर मिनरल्स, हाउ कैन दे बी क्लासिफाइड। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ कैन मिनरल बी एक्सट्रैक्टेड। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर लिक्विड गोल्ड एंड बरिड सनशाइन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज रेयरेस्ट डायमंड। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज बॉक्साइट, वेयर इन इंडिया इट इज फाउंड। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट आर फॉसिल फ्यूल। सेवन्थ क्वेश्चन है नेम टू रीजन ऑफ नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल। एट क्वेश्चन है व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। नाइन नंबर है हाउ आर मिनरल्स आइडेंटिफाइड। क्वेश्चन नंबर 10 है वेयर डू यू फाइंड मिनरल्स, नेम टू कॉन्टिनेंट्स विथ गोल्ड डिपॉजिट। मतलब ऐसे दो कंटिनेंट्स का नाम लिखना है जहाँ पे गोल्ड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं 11 में, यहाँ पे बोल रहा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स क्या है। नेम एनी 5 कंट्रीज वेयर पेट्रोलियम इज माइंड, पेट्रोलियम निकाला जाता है। ऐसे 5 कंट्री का नाम लिखना है तुमको। व्हाट इज सीएनजी, नेम सम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, गिव 5 वेज टू सेव एनर्जी। नेक्स्ट, व्हाट इज रॉक, व्हाट इज बॉक्साइड, व्हाट द 3 मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। हाउ कैन मिनरल्स बी क्लासिफाइड, यहाँ पे क्लासिफाइड होगा। नेम 3 कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेम एनी 3 नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेम सम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 में व्हाट इज ओपन कास्ट माइनिंग, व्हाट इज सॉफ्ट माइनिंग। देखो, नेक्स्ट जो है सीबीएस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बताने वाला हूँ। व्हाट इज पार्लियामेंट नीडेड, हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर राज्यसभा। व्हाट इज पार्लियामेंट, हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर लोकसभा। व्हाट डू यू मीन बाय द कोलेटिंग गवर्नमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द रिजर्व कंसेंट फॉर एससी एंड एसटी। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस, स्टेट टू रीजन वाई हिस्ट्री एंड फ्यूचर द क्लैम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज फंक्शन ऑफ जुडिशरी, हु आर एमपीस, व्हाट इज क्वेश्चन आवर, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज सेक्युलरिज्म। क्वेश्चन नंबर 15 में राइट 3 फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, नेम द फंडामेंटल्स राइट बेस ऑन सेक्युलर, व्हाई डज द डोमेस्टिक कंट्री नीडेड ए कॉन्स्टिट्यूशन। इतना सारा क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो मेरा यह मैं अब पूरा वादा से आपको बोल सकता हूँ कि आपको एसएसटी में 80 में इस बार तो मिनिमम 60 मिनिमम तो मिलने ही वाला है। इतना अगर क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो आराम से आपको 60 आ जाएगा। उसके अलावा कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कलमारी, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज महल, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द ग्रेट फीमेल टेक प्लेस, व्हेन डिड द कंपनी गेट द दीवानी राइट्स, हु वाज रानी चंद्रमा। थर्ड सिक्स क्वेश्चन है हु टू थिंग्स इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन आर्मी, हु वाज मीर कासिम, हु वाज फादर ऑफ टीपू सुल्तान। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फरमान।
देखो बच्चों, इतना सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया हूँ, अगर इतने सारे क्वेश्चन आप लोग करके जाते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम में 100% श्योर है कि एक अच्छा मार्क्स आने वाला है। और अगर आप लोग इतना सारा क्वेश्चन करके जाते हैं तो श्योर है कि आप लोग फेल नहीं होइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, मैसेंजर में वीडियो को शेयर कीजिए।